एक तरफ भारी बैरिकेड्स और भारी संख्याओं के साथ जो है पुलिस बल तैनात है, और दूसरी तरफ अगर आपको दिखाया जाए, जी हाँ दूसरी तरफ अगर आपको दिखाया जाए तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि झंडे लेकर जो है किसान, जी हाँ किसान जो है दूसरी वक्त यहाँ पर दूसरी जगह पर जो है बैठे हुए नजर आ रहे हैं, बैठ चुके हैं सड़कों पर। क्या कुछ मसला है आज जो इतनी भारी संख्याओं के अंदर किसान और सभी पुलिस बल जो है यहाँ पर तैनात है। नमस्कार, मैं सोनम इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ हरियाणा के करनाल के सीएम हाउस के बाहर से, जहाँ पर जो है धरना जो है किसानों के द्वारा लगा दिया गया है। इस तरीके से ज़मीनों पर जो है तमाम किसान बैठ चुके हैं। क्या कुछ पूरा मसला है इनसे जान लेते हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ ये कहना चाहते हैं। बीजेपी सरकार ने दुनिया दुखी बनाई, बना मुर्ग बैठा कुछ शर्म नहीं आई। जैसा भावे ईमान दुखी करे किसान करा नहीं ध्यान, पापी अन्यायी बीजेपी सरकार ने दुनिया दुखी बनाई। माती करीब दीन दुखी करे किसान करता नहीं ध्यान, पापी अन्यायी बीजेपी सरकार ने दुनिया दुखी बनाई। माती करीब अधीन इसका ना करियो यकीन, मारी खुशा सतमीन पापी के जाए मन माई, बीजेपी सरकार ने दुनिया दुखी बनाई। राजी बोल कर दे दिए वोट करण लायक राखोट, मारक अगर घोट कैसे दावे की जान बताई, बीजेपी सरकार ने दुनिया दुखी बनाई। करता नहीं विचार काल में रोवेगा टक्कर मार, हम बनावा किसाना की सरकार, हम नया स्कीम बनाई, बीजेपी सरकार ने दुनिया दुखी बनाई। आज किस लिए मौजूद हुए? दुनिया दुखी बनाई, दुखी कर दिया जग सारा, गोला पे बेचा मेरा भाई सारा, जो ले रहा है नजारा, पापी अन्यायी बीजेपी सरकार ने दुनिया दुखी बनाई। रोक दिया सारा कर दिया काम को धारा, कह दे भी संग बड़े वाले ना तो छह कली बनाई, हर घर गाथा लगन लाग गई थाली ताई, जो बोले रोज दिल्ली के दरा, मैं बोला मार जमीन खुश है सुन ध्यान कर दे रो, जो बोले दिल्ली मैं भी चलूँगी माँ के करे, अगर जो बोली दो सिंह जेली मंगवा दे चाहे जरूवा दे गंडास, मैं भी चलूँगी पिया दिल्ली तेरे साथ। देखा हर्ष के शरणा की बहुत घनी दुख पाई, सर पर कर्जा क्यों कर गया धन राज करी कमाई, बात समझ में को नहीं आई, धन खा गए कौन से बदमाश, मैं भी चलूँ पिया दिल्ली तेरे साथ। वोट लेने की खातर बैरी वादे कर रहे हैं झूठे, देखे बोल जगा लो पिया किसान पड़े क्यों सोचते, यह पापी कुर्से के भूखे बन बच्चे नवाब, मैं भी चलूंगी दिल्ली तेरे साथ। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से कि महिला किसान भी जो है यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं, पहुँच चुके हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ ये कहना चाहती हैं और क्यों आज जो है सड़कों पर महिलाओं को भी उतरना पड़ गया है। तो जरूर लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि महिला किसान भी जो है यहाँ पर पहुँच चुकी है और आप देख सकते हैं इनके हाथों के अंदर जो है तिरंगा झंडा है और किसानों के झंडों के साथ जो है ये तमाम किसान महिलाएं आज यहाँ पर पहुँची हैं। आपको बताना चाहेंगे कि सीएम हाउस का घेराव किया जा रहा है और जिस तरीके से सड़कों पर ये लोग बैठ चुके हैं, इनसे ज़रूर हम बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ ये बताना चाहती हैं, क्यों आखिरकार इन लोगों को जो है सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ पर लाइव तस्वीरों के माध्यम से तमाम महिलाएं जो है यहाँ पर मौजूद हुई हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहना चाहती हैं। जी मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? धरना दिया जाएगा? हाँ, धरना दिया जाएगा जी। किस बात को लेकर? इस बात को लेकर भी चली कि एक तो यूनिट ज्यादा बता दी, एक यही में चिपका लन लग गए, बता गरीब भी अमीर भी है, इब रात ना अगर पैसे खत्म हो गए कितना ले आऊगा गरीब आदमी, हम न्यू तो वहाँ जो कर मीटरा का काम है यो न्यू चलता रही है, हम यहाँ चिप गलन में नाराज हैं, चिप गलन में कति बिल्कुल नाराज है, सारे नाराज है। एक या जो जमीन है ना या पंचायत या सरकारी बनाई जा रही है, एक या नियम बना देंगे, इब एक बात हमारी कुर्सी खता है, हमने दो साल हो गए किसान ने कति गोडे रगड़ लिए, क्या तेनी सुनाई कर रहा है, कति अजमा पदे समझ रहा क्या हमने, सारी दुनिया ने खत्म करना चाह रहा है, या बात हम इन तक पूछना चाहे हैं,
हम ये सोच रहे भी शांति त प्रेम त प्यार त मान जायो दुकर भी है इप चीप गालन की सुने याजत कर ली हम न याजत कर ली काम चीप नहीं गालन दें दे दुकर भी मीटरा का बिल आवाहन आना चाहिए गरीब आदमी कड़त रात न पीछे ले आओगा एक जैसे सिलेंडर था 300 तो चालू था ये 1000 तो ऊपर चलेगा कितनी महंगाई बढ़ाओगा बीमारी न झेलना बीमारी सी सी आ गई आदमिया में भी आ गई दुनिया का तो मानस मानस का कैंसर ये कभी कोरोना कभी कुछ कोरोना की बीमारी का इलाज सबसे पहले टोया है ये भी एक गौ माता का जब तो घर घर गौ बंधुआ दी ये भी इतनी गाँव बीमार हो रही इनका भी हल करो ये भी इनका पैसे दो ना जिसका गाँव बंद रही वही इलाज करवाओ गाँव तड़पन लाग रही सारे मुद्दे पर किसान है ना कति दुखी हो गया जमा घना दुखी हो गया थोड़ा नहीं हो गया हम तो खट्टर तय पूछ रहा था या तो एक दिन ईसा गोला गिर दे सारी दुनिया खत्म हो जा अन्य दुनिया की सुनवाई कर ले आपका वोट हमने तो दी थी कदे तो यो कह 4 साल की वहाँ बनाओगे हम फौज ये भी एम एल ए बना मंत्री बना ये तो सोचता जाना हम सारी जिंदगी ना मारे दादा पड़दादा पोते आगे पड़ोते हम मेरा है और फौजी ने 4 साल में रिटायर कर नहीं बता दिया हम अपने बच्चा ने जामेंगे पालेंगे पढ़ावेंगे लिखाओगे मरवाने खातर फिर ये भी तो होने चाहिए 4 साल में रिटायर है ये क्यों भी अपनी कुर्सी ना नहीं है लड़का नाम लेने दे रहे एक दूसरे ने बने लेने दो ना 10 साल हो गए इन्ना बने उड़ा नहीं छोड़ दो ये कुर्सी ये तो नहीं सोच रहे जानू हमें बना हम ये कोई से भी मुद्दा न लागू होने नहीं देंगे हम न मरना मिटना बस आज यही बैठ जाओगे आप लोग हाँ यहीं बैठे हैं कब तक जब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं करेगा जब तक बैठे रहेंगे और भी किसान आओगे अभी तो हमने कॉल करी है और ज्यादा कॉल करेंगे सारे दुनिया के भारत के हरियाणा के पंजाब के कुत्ती बिल्कुल सारे इकट्ठे होंगे तो जरूर आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि एक बड़ा बयान जो है सामने आ रहा है इन महिलाओं की ओर से जिस तरीके का बयान आ रहा है कि यहीं पर जो है यहाँ पर बैठ दिया जाएगा और आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से तमाम किसान महिलाएं जो हैं महिलाएं यहाँ पर बैठ चुके हैं और लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि तमाम किसान महिलाएं जो है यहाँ पर बैठ चुके हैं और लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप जरूर देख पा रहे हैं कि किसानों के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके चलते आज यहाँ पर ये बैठ चुके हैं ये दारू के ठेके ना बंद करवांदा यू बालक को डर बड़े बालक कति सब ना काम ना नौकरी और ये दारू कर दी कति खुली हाँ ये ना करंदा यू दारू के ठेके बंद है बालका ना काम नहीं आए दिन नए ठेके खुले जा रहे हैं और सारी चीजें खुली जा रही हैं हाँ है? नौकरी नहीं बालक नशे में बढ़ गए ठाली रंदे और क्या करेंगे और अपनी बाण गड़ावेंगे यू काम हो रहा है नौकरी तो सब कर जा प्राइवेट बच्चे क्या अपील करना चाहती है प्रशासन से कम बालका ने काम दो रोजगार दो ठाली ना फिरो अवारा ना फिरो गाला मन अत के खाएंगे डीम खाएंगे हैं माँ बाप रो और बालक फिर अवारा गाला में क्यों करे माँ बाप बेशक भूखे मर इन्हें कोई ठेका नहीं है तो जरूर लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं जिस तरीके से महिलाएं यहाँ पर जो है आक्रोश में जी हाँ आक्रोश में यहाँ पर मौजूद हुई हैं और लगातार जो है लाइव तस्वीरों के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि महिलाएं काफी ज्यादा गुस्से में हैं और यहाँ पर जो है सड़कों पर बैठ चुकी हैं बारे में यही कहना चाहूँगी जो ये धरती श्यामलाल भूमि है इसको मतलब कानून गलत ले रही है किसान अपनी धरती 1 इंच भी नहीं देगा और जो ये बिजली के बिल है चिप सिस्टम बनाना चाह रही ये भी नहीं होने देंगे हम इसके बारे में यही कहना चाह रहे हैं सरकार मान जाए बार बार किसानों के साथ छेड़छाड़ ना करे गलत है सरकार हाँ यही पर बैठेंगे कल तक का हमारा प्रदर्शन यहीं पर बैठेगा रोड पर यही पर होगा रोड पर बैठेंगे बड़ा बयान जी हाँ बड़ा बयान जो तो आप देख पा रहे हैं तमाम किसान जो है सड़कों पर जी हाँ सड़कों पर बैठ चुके हैं बातचीत भी जरूर करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं क्या कुछ बताना चाहेंगे और क्या कुछ आज का प्रदर्शन रहने वाला है जी सर क्या कुछ कहना चाहेंगे जुमला मालकन की जो 8 एकड़ की जमीन है वो 100 साल से किसान उसके ऊपर खेती कर रहे हैं और वो लीगली भी किसानों की है तो सरकार क्षेत्र की तय लैंड बैंक की तय उनको शिंड कर और कॉरपोरेट को देना चाहती है और हम उसको नहीं देने देंगे ये सरकार को चेतावनी है और हम इसी विषय पे हमने पहले भी SDM को भी विज्ञापन दिया था और अब 2 दिन का जो CM हाउस के आगे हमारा घेराव है
और उसके बाद भी अगर कोई मीटिंग में फैसला नहीं आता तो कल सीएम हाउस की आगे ही सीएम का पुतला होगा। क्या नाम है सर आपका? जगमीत सिंह। तो जरूर आपसे सर एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्या किसानों को लगातार सड़कों पर बैठने से ही इंसाफ मिलता है? देखिए मैम, अभी तक जितने भी आंदोलन हमने किए हैं, पहले काले तीन कानून था, उस पर भी हम 8-9 महीने साल ही लगभग बैठे रहे हैं। वो भी तभी माना था, सरकार मानी थी। सरकार को भी ना थूक के चाटने की आदत पड़ गई है। पहले तो ये बोलती है, कर देती है, फिर जब देखिए हम सरकार चुनते हैं अपनी भलाई के लिए, अपने फायदे के लिए। जब हमारा कोई किसी चीज़ में भलाई नहीं है तभी हम सड़कों पर बैठ रहे हैं। हमें सड़कों पर बैठने का शौक नहीं है, या हम घर से पागल नहीं है कि घर उठ के आ जाते हैं हर रोज़ सड़कों पर बैठने के लिए। तो सरकार को जो भी जनता की भलाई के लिए सोच समझ के जो भी कानून या जो भी कानून लेके आने चाहिए, जनता की भलाई के लिए सोच समझ के आना चाहिए। अब ये हम किसानों को गवारा नहीं है, ये जो आप फिर देश आमलात भूमि जो इन्होंने बनाई, इसका जो मालकाना मुश्तरका खाता है, तो क्यों सरकार ऐसे काम करती है? और आज देखिए यहाँ पे इतने बड़े बड़े बैरिकेटर लगा दिए, आज ये खट्टर साहब बैरिकेटर लगा के यहाँ रोक रहे हैं, हालांकि यहाँ कोठी में नहीं है। हमें यहाँ जाके शांति से पंचायत का मतलब क्या होता है, हमने बैठ के पंचायत में बैठना था जैसे बैठे हैं। तो इतनी पुलिस प्रशासन, इतना इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है? और फिर जब यही लोग हैं एमपी एमएलए, जब वोटें आती हैं तो ये हमारे घर पे भी आते हैं, बिना बुलाए भी आते हैं, कुंडे खड़का खड़का के घर पे आते हैं। और जब बनने के बाद इन जनता इनसे मिलना चाहती है तो ये दूर भागते हैं। तो जनता को भी सोच समझ के, किसी पार्टी से दूर हट के अच्छे इंसान को वोट डाल जो अपने हकों के, अपने अधिकारों के लिए खड़ा हो। देखिए सरकार जो घूम फिर के, मैम बात वही है, जो ज़मीनें हैं हमारी, ज़मीनें खोसना चाहती है। वो किस पहले काले कानून थे उनको इन्होंने लाठी के जोर पे जैसे मर्जी किसानों ने रद्द करवा दिया। अब ये घुमा फिरा के गाँव में बढ़ना चाह रही है कि गाँव में हम जाएं, जो ज़मीनें मुल्क मुश्तरका दे मालकान ज़मीनें उनके थ्रू धीरे धीरे करके जो ज़मीनें हड़पें किसानों की माँ को कहीं ना कहीं छीनने का प्रयास किया। हाँ जी, हाँ जी, किसानों की ज़मीन माँ, किसान जो दिन रात किसानों को देखो, सड़क किसान को तो 6-6 महीने हो जाते हैं मैम शहरों में आए हुए। किसान को कोई शौक नहीं है शहर में आने का, किसान को तो अपनी फसलों से छुटकारा नहीं मिलता, कभी खार, कभी दवाई, कभी लगाना, कभी घास पाड़ो, कभी कुछ। तो सरकार जान जान के सरकार किसानों को तंग कर रही है, जो सड़कों पे आने को मजबूर कर रही है। मेरा गुरदीप सिंह। तो देख पा रहे हैं आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से जिस तरीके से हमारा कल्चर है वो जो है रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पर। तमाम किसान जो है बैठ चुके हैं सड़कों पर, दोबारा से जो है कहीं ना कहीं आंदोलन हो सकता है इस बात को लेकर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है ये स्ट्रगल से भरी हुई चीज़ें हैं लोगों के लिए। इनकी मां को जो है कहीं ना कहीं छीनने का प्रयास किया जा रहा था, जिसके चलते आज ये सभी लोग, जी हाँ तमाम लोग जो हैं आज सड़कों पर बैठ चुके हैं सभी किसान जो हैं। तो देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से, आप देख पा रहे हैं जिस तरीके से तमाम किसान जो है यहाँ पर मौजूद हुए हैं। और कहीं ना कहीं आपको बताना चाहेंगे कि आज का और कल का प्रदर्शन है, रात को भी जो है यहीं पर किसान महिलाएं और किसान पुरुष है जो स्टे करने वाले हैं, आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखा पा रहे हैं। जिस तरीके से सीएम हाउस का जो है घेराव कर लिया गया है, फिलहाल ये तमाम किसान जो है सड़कों पर बैठते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख भी पा रहे हैं कि तमाम किसान जो है सड़कों पर बैठ चुके हैं, चाहे वो महिलाओं की बात की जाए, चाहे वो पुरुषों की बात की जाए, सभी, जी हाँ सभी जो है यहाँ पर बैठ चुके हैं। और लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि पुलिस बल भी पूरी तैयारी के साथ जो है यहाँ पर मौजूद हुआ है, खड़ा हुआ है। आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि तैनात हैं हर एक चीज़ को लेकर। आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख भी पा रहे हैं कि महिलाएं और पुरुष सभी जो हैं यहाँ पर मौजूद हुए हैं, और यहाँ पर जो है धरना, जी हाँ धरना दे दिया गया है। और आपको बताना चाहेंगे कि आज का और कल का ये धरना है जो कि यहाँ पर लगातार चलेगा सड़कों पर। आगे क्या कुछ अपडेट मिलने वाली है, क्या कुछ होने वाला है, इस वीडियो में आपको जरूर बताएंगे।